हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। ऑलवेज फॉलो प्रिकॉशंस फॉर योर सेफ्टी। आई एम अक्षय शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एंड द अदर टू रोज, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट रो और जो अदर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैं उनके बीच का डिफरेंस इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने समझा, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आपस में कंपैरिजन किस तरह हुआ और उन सीरीज़ में क्या क्या फ़र्क रहा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कंपैरिजन के अंदर। अब हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का डिफरेंस समझेंगे। इन पर्टिकुलर फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसको अलग करेंगे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ से। जो सबसे पहला डिफरेंस है इन रोज़ के बीच में वो है मेटल मेटल बॉन्डिंग और क्लस्टर फॉर्मेशन। मतलब जो मेटल मेटल के बीच की बॉन्डिंग होगी वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज़। फॉर एग्जांपल, रुदीनियम जो है एलोंग विद ओस्मियम और रेनियम, इनके साथ कंपाउंड बनाता है एज डबल और ट्रिपल एलिमेंट्स। यानी कि जो ये एलिमेंट्स हैं सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिल करके आपस में ही मेटल मेटल बॉन्डिंग करके डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट या फिर टेट्रावेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। जबकि ये चीज़ हमें फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज़ में देखने के लिए नहीं मिलती। बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर ये एज ब्रिज कंपाउंड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर। जैसे मैंगनीज बनाता है Mn2CO10, यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप हैं वो 5-5 डिवाइड हो जाते हैं ऑन वन मैंगनीज ईच, और यहाँ जो मैंगनीज है वो ब्रिज बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। इसी तरह से Fe2CO9 और कोबाल्ट का कंपाउंड होगा Co2CO8। आयरन और कोबाल्ट भी रेयर कंडीशन में ब्रिज कंपाउंड बनाएंगे, बल्कि इनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग डायरेक्ट नहीं होती। ये पर्टिकुलर एग्जांपल है रेनियम हैलाइड का, जिसमें जो दो एलिमेंट हैं रेनियम के वो डायरेक्ट बॉन्डेड हैं इन दिस कंपाउंड। इसी तरह से हम वेरियस एग्जांपल और समझ सकते हैं बाइनरी कार्बोनिल्स के साथ, स्पेशली रेनियम, इरिडियम और अदर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट में। जैसे कि दे रखा है फिगर के थ्रू, जो रेनियम है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर जो वाइट सर्कल है वो मेटल को शो कर रहा है और जो स्मॉल ग्रे सर्कल्स हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को शो करते हैं। तो यहाँ पर चार जो रेनियम एटम हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी तरह से अगर हम जनरली कंसिडर करें M4CO12, M कोई भी मेटल होगा और कार्बोनिल ग्रुप के 12 ग्रुप जुड़े हुए होंगे इनसे, तो वो इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। और स्पेशली अगर हम रोडियम का कंपाउंड देखें RH6CO16, ये एक क्लस्टर कंपाउंड बना है। इसमें रोडियम के 6 एटम्स एक क्लस्टर कंपाउंड बना रहे हैं, क्लोज कंपाउंड जिसमें क्लोज पैकिंग होती है और कार्बोनिल ग्रुप इनको अलग से घेर करके रखे हुए हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए टू शो द क्लस्टर्स एंड मेटल मेटल बॉन्ड। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है M6X8 4- क्लस्टर का, यानी कि 6 मेटल एटम हैं और 8 हेलोजन एटम्स हैं जो कि X टाइप बॉन्ड बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रिज। और ये 6 मेटल एटम होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जो कि आप ये शेप देख सकते हैं, वाइट सर्कल है मेटल के लिए और ग्रे या ब्लैक सर्कल है ये एक्स यानी हेलोजन के लिए। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्लस्टर बोलते हैं। और जो सेकंड डिफरेंस है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, सीरीज़ के एलिमेंट हैं, वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबली शो करते हैं, बल्कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखा करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +6, +7 और +8 होती है उसको ज़्यादा प्रिवेलेंटली शो करते हैं। जैसे कि ओस्मियम है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इरिडियम +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन का डिफरेंस है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। जो थर्ड डिफरेंस है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को लेकर के। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। पर जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो प्लस 4 मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करते, 6 या फिर उससे ज़्यादा यानी कि 7 या 8 कोऑर्डिनेशन नंबर तक के कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स कंसिडर करें ZrF7 3- और ZrF8 4-, यहाँ जिरकोनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 होगा। फोर्थ डिफरेंस है साइज को लेकर के। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा एटॉमिक रेडियाई वाली प्रॉपर्टी में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का लोवेस्ट साइज है इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कंपेयर किया साइज, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है लैंथेनम वाली सीरीज, उसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई कर लेते हैं एज पर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और नेक्स्ट डिफरेंस है एबंडेंस का, यानी कि जो मेटल्स हैं तीनों ट्रांजिशन सीरीज के मिला करके अर्थ क्रस्ट में कितनी क्वांटिटी कितनी परसेंटेज के अंदर अवेलेबल हैं उसके बारे में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये जो हैं अर्थ क्रस्ट में कंबाइन होकर के सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट 6 से लेकर 7% तक के बीच में अवेलेबल होते हैं। पर जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही रेयर और कम क्वांटिटी के अंदर, बहुत स्केयरसिटी की क्वांटिटी ये है अर्थ क्रस्ट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिरकोनियम 162 पार्ट्स पर मिलियन में एग्जिस्ट करता है और लैंथेनम 31 ppm। यट्रियम की एबंडेंस है 31 ppm और जो नियोबियम है वो सिर्फ 20 ppm में एग्जिस्ट करता है। पार्ट्स पर मिलियन वही क्वांटिटी है, 1 million पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल होगा इन एलिमेंट्स का, और 20 ppm जो नियोबियम का मतलब हुआ कि 1 million के अंदर 20 पार्टिकल्स होंगे नियोबियम। तो इतनी कम क्वांटिटी के अंदर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाएँ तो ये 20 एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ 0.025% की क्वांटिटी अवेल करते हैं इन दी अर्थ क्रस्ट। और जो टेक्नीशियम है वो तो एक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं है, ये इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने का है कि टेक्नीशियम जो है नेचर के अंदर फाउंड नहीं होता, इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है। और नेक्स्ट डिफरेंस है मैग्नेटिज्म का। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, पर जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो लो स्पिन टाइप में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज इन कंपाउंड्स के अंदर पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की इन देयर डी ऑर्बिटल। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसके बाद वाले जब हम पेयरिंग करनी शुरू करते हैं D5 के बाद वो कंपाउंड लो स्पिन वाले हो जाते हैं। पर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में पेयरिंग ज़्यादा होती है इसलिए वो ऑलमोस्ट या मैक्सिमम टाइम्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। और जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटोन, जिसमें हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है मैग्नेटिज्म पता करने के लिए फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के लिए, पर वो फॉर्मूला सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मैग्नेटिज्म फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ना स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, जिसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो सम टोटल आती है तीन चीज़ की, पहला स्पिन मोशन, दूसरा ऑर्बिटल मोशन और तीसरा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इन तीनों को सम करके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है सेकंड और थर्ड रो एलिमेंट्स के लिए। जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है वो होती है जब इंटरेक्शन होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम में और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो किसी पार्टिकुलर का होगा, इन दो मोमेंटम के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो उसको बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और ये इंट्रैक्शन होता क्यों है,
जब मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ हुआ होगा स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंट की वजह से, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट और जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उनका खुद का इंट्रिंसिक मोमेंट होगा, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो उस वजह से ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जनरेट होती है। अभी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये तीन इफेक्ट का, इसी वजह से जो सिंपल फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस टू, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता सेकेंड और थर्ड रो एलिमेंट्स के लिए, और इसीलिए हमको एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है टू गेट द मैग्नेटिज्म वैल्यू। और एक पॉइंट नोट करने के लिए यहाँ पर यह भी है, सेकेंड और थर्ड रो एलिमेंट्स के अंदर एक्सटेंसिव टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म भी होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म ये खुद का नहीं होगा, एक स्पेशल टाइप का मैग्नेटिज्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये सब थे फर्स्ट रो और अदर रो ट्रांजिशन सीरीज़ का डिफरेंस। आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे। ये यूनिट का लास्ट टॉपिक था मेरी तरफ से, अब आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट यू कैन आस्क। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।